हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। अब आज द्वारका में मेरा दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा कि आपको होटल की टूर करा दूँ। बजट होटल है, जितना मिला उसमें सुकून है, लेकिन मैं सोचा था कि आपको शेयर करूँ, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, तो अगर मैं दरवाजे के कॉर्नर पर खड़ा रहूँ तो इस तरह से होटल रूम का व्यू है। ये विंडो है, ये अपना बेड है, यहाँ पर एक छोटा सा डेस्क है और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा स्टोरेज कर सकते हैं। और ये रहा टीवी और ये रहा छोटा सा अपना सामान रखने के लिए डेस्क बनाया, ओपन है। यहाँ पे दो हैंगर दिए हैं, ये एसी, यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे मेन दरवाज़ा। और अगर बात करूँ तो ये सिटी सेंटर मतलब द्वारका टेंपल से ओनली 500 मीटर की दूरी पे है, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। जी हाँ, एक चीज़ बताना आपसे मैं भूल गया कि यहाँ पर जब भी द्वारका में आए तो ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले फिज़िकली यहाँ पर आकर आप बुक करें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको रेट्स भी कंपेटिटिव मिलेंगे और यहाँ पर बार्गेनिंग करके आप रेट्स को भी कम करवा सकते हैं। और मैं जिस होटल में ठहरा हूँ उसका नाम है होटल तुलसी, और ये बजट होटल है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ बस इतना ही है कि सिटी सेंटर में है। आप नज़दीक से वॉकेबल डिस्टेंस पे मंदिर जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। इस कोने में रखा है मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ पोहा, जो स्पेरविल की तरह काम करता है, और कभी भी कुछ भी ना मिले तो इसको खा के आप पेट भर सकते हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। तो हम आ चुके हैं बेट द्वारका, और जैसे कि देख रहे हैं ये पूरा बोट्स और ये माहौल। यहाँ से हमको जेटी पकड़ के जाना होगा बेट द्वारका के मंदिर तक। कुछ ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है उस तरफ, लोग खचाखच भरे हुए हैं बोट्स में। और यहाँ पे भी देखिए, दोनों तरफ बोट्स भरे हुए हैं। अब यहाँ से हम बोट करेंगे, यहाँ से बेट द्वारका जाएँगे, फिर वहाँ दर्शन करके वापस आएँगे। ओखा से जेटी से बोट में बैठने के बाद बेट द्वारका उतर चुके हैं और ये कुछ नज़ारा है। और यहाँ से जाएंगे तो आगे मंदिर है, मेरे पीछे बहुत सारी पब्लिक है। अब यहाँ से हमको चलना पड़ेगा और बेट द्वारका मंदिर के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको बाहर मिलता हूँ। निशुल्क खाना भी यहाँ पे दिया जाता है, और ये पूरा मंदिर का परिसर है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। बेट द्वारका के दर्शन के बाद हनुमान दंडी, यहाँ पे कहते हैं हनुमान और हनुमान जी के बेटे दोनों का स्थान है यहाँ पर। ये है हनुमान जी और हनुमान जी के बेटे मकरध्वज का मंदिर। बेट द्वारका से बाहर निकल गए हैं, बोट में बैठेंगे फिर जाएंगे ओखा की तरफ और वहाँ से द्वारका, ठीक है। और एक चीज़ बतानी थी, इसके पीछे एक नया ब्रिज बन रहा है, मेरे वो कहीं पे कनेक्ट होगा और बेट द्वारका के लिए स्मूथ ट्रैफिक बनेगा। फिलहाल तो बोट में ही आना पड़ता है।
बोट में और इतनी लहरों से बाहर निकले हैं। समुंदर में आज लहरें ही लहरें हैं। ये देखिए बेट द्वारका से उतर के बाहर निकल रहे हैं। बाय बाय बेट द्वारका को, चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बेट द्वारका दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आने के बाद मुझे ओखा रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, तो मैंने सोचा विजिट करूँ, तो वहाँ पर ट्रेनें खड़ी है। और एक चीज़ मैं इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि ओखा रेलवे स्टेशन इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल एरिया, मतलब गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। वेदर बहुत ही क्लाउडी हो गया था, बारिश भी हो गई थी, मैं गीला हो गया था, आखिर में मुझे जैकेट निकालना पड़ा। बहुत तैयारी के साथ आया हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई तो मैंने शेयर करने के लिए आपको ये चीज़ दिखाई। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ओखा तक आ सकते हैं, ओखा से द्वारका जा सकते हैं, बेट द्वारका जा सकते हैं।